ढक्कन में यहाँ से दिल का कोना इस बाकी और गवाही देता है कि सानियों ने ऐसा साथ उनका रोल है चंद्रों की शिवाजी महाराज जो केंद्रीय स्वराज के सरसर पर अध्यक्ष सरसर तीनों तलवार जी चौधरी सर जो भरनाव से यहाँ तक का सफर तय किए हैं मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। यहाँ तक जो भी कार्य करते हैं रूपाली जी आपके लिए मैं इतना जरूर आपने जितने बेहतरीन अभिनय से फिल्मों को सक्सेस किया है मैंने आपके दामन में लेने का हूँ कि झील में डूबा हुआ सवल मानवाधिकार संगठन जिला उपाध्यक्ष इनके का कमलों द्वारा यहाँ पर संपर्क करने जा रहा हूँ डीआरपी कलेक्टर ऑफिस स्वागतम एक मुकाम हासिल उन्होंने करवाया है उन गरीब मजदूर शिखर फाउंडेशन शिखर एनजीओ के सामान्य अध्यक्ष रफीक शेख साहब जिन्हें भारत का सिलसिला यहाँ पर है वहीं पर समान Yeah.
किया लगा है। मेरी विनती है कि ये मेरी विनती है ये पुरस्कार से उन्हें सम्मान करती है। लोकांची सेवा केलेली आहे, डॉक्टर असो नर्स असो समाजसेवक असो,
त्यांचं स्वागत करण्याचा मान आम्हाला दिला, त्याबद्दल मी ह्युमन राईट्स ऑर्गनायझेशनचा खूप खूप आभार व्यक्त करते आणि माझ्या या सभी जातीय सदों का करके जो ह्यूमन राइट्स की तरफ से हमारे टीम ने जो प्रोग्राम किया है, मैं तहे दिल से सभी हमारे टीम का शुक्रगुजार हूँ और जिनको पुरस्कार मिले उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आपने जो है ये अवार्ड वितरण का कार्यक्रम रखा था जी, लेकिन नागरिकों को ये नहीं बताया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के जो है कार्य करती है और नागरिकों को क्या उसका जो है लाभ मिलता है। जी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दलित और पीड़ित समाज और उसमें से महिलाओं को जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ काम करती है। हम लोग अपने खुद के हमारे वकील के पैनल है जो पूरे शहर में जाके हम जो कायदे विषय जो भी अड़चनी होती है प्रॉब्लम आते हैं उनके लिए काम करते हैं। हम लोग आदिवासी पाड़े हैं उसमें जाके अच्छा स्वच्छ पीने का पानी के लिए हम लोग काम करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कितने समय से कार्य कर रही है? ये करीबन 8 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग यूनाइटेड नेशन से एप्लीकेटेड है और हम लोग जो भारत का ह्यूमन राइट्स है उनके साथ में भी काम करते हैं। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन कौन से राज्य के अंदर अब तक काम कर रही है? हम लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं, साथ में करीबन 22 कंट्रीज में भी हमारा काम चलता है, जैसे फिलीपींस हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पे भी हमारा काम चालू है। अभी जो कोकण में फ्लड आया उस टाइम पे हम लोग काम कर रहे थे। जहाँ जहाँ पे भी राष्ट्रीय आपत्ति आती है वहाँ पे हम लोग काम करते, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो। हम लोग करीबन अभी 22 कंट्री में काम कर रहे हैं और आगे हम लोग काम बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे अभी हमने कनाडा में अपनी खुद की ब्रांच चालू की है। अभी जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने नई यूनिट जो है शुरू की है, तो नागरिकों से क्या आह्वान करेंगे, किससे मुलाकात करना है, क्या करना है? हम यही आह्वान करेंगे कि भारतीय राज घटना में जो भी आता है उसको लेके हम लोग काम करेंगे। जहाँ पे अन्याय अत्याचार हो वो हमारी टीम से संपर्क करें, हम लोग आपको पूरी सहायता करेंगे और हमारी जो टीम है वो आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं आज इस टीम की जो वंदना मैम ने और सर्वे किया उसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको बताना चाहती थोड़ा मैं अपने बारे में कि मेरे को पुरस्कार क्यों मिला। एक्चुअली मैं दुबई में मेरी मैरिज हुई थी, वहाँ पर मेरे 2 बच्चे थे पर बहुत छोटे थे, 2-2 साल के थे कि मेरे हस्बैंड चले गए, उनका अटैक आ गया वहाँ पर। तो मैं वापस इंडिया में आई वहाँ पर और यहाँ पर भाई लोग रहते थे भुसावल में, तो मैं उनसे मिलने आई थी। पर लकली मेरे को उसी महीने यहाँ पे जॉब मिल गया। जॉब करते करते मैंने यहाँ पर कैसे 20 साल बता दूँ बिता दिए मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि भुसावल एक बहुत ही पीसफुल जगह है और बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर लोग। मैंने पूरी दुनिया देखी, लेकिन जो प्यार को भुसावल में मिला वो पूरी दुनिया में मिल रहा है। जैसे ही कहीं बाहर जाते हैं, कहीं डॉक्टर स्टेशन जाते हैं, जैसे ही भुसावल स्टेशन आता है अपना कदम रखते हैं, ऐसा लगता है कि पीस से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ हमारा भुसावल है। और कभी कभी सोचा इतने दिनों में मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि इतने फॉरेन कंट्रीज घूमने के बाद मैं छोटे से गांव में आई हूँ, पर कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैंने यहाँ पर 11 साल एज ए टीचर काम किया गवर्नमेंट कॉलेज में, संघार के हिंदुस्त में जो है। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ श्री डी ए मूर्ति विद्यालय में, 8 साल मैंने वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का काम किया और वहाँ पर फिर मेरे को प्रमोशन मिला और श्री केमानी विद्यालय में जो शिवाजी नगर में, वहाँ पे मैं आज प्रिंसिपल के पद पे काम कर रही हूँ। और ये जो विद्यालय है टोटल लड़कियों का स्कूल है और मैं चाहती हूँ कि जो विपत्ति मेरे सामने आई, ऐसी विपत्तियाँ कोई कह के नहीं आती, कभी भी अचानक जीवन तरफ बदल जाता है। मैं पढ़ी थी इसलिए मैंने आपको संभाल लिया। मैं चाहती हूँ हर लड़की हर बच्ची पढ़े लिखे ताकि वो अपने जीवन में कभी भी दुख महसूस न करे, अपने पैरों पे खड़ी रहे। यही एम के साथ मैं अपने विद्यालय में सभी बच्चियों को शिक्षा दे रही हूँ ताकि सब बच्चियाँ पढ़े लिखे और अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार को रोशन करें। आज मैं पढ़ी लिखी थी तो आज मेरी दोनों बच्चियाँ एक MD डॉक्टर है और एक इंजीनियर, वो दोनों वेल सेटल्ड हैं। मैं कोई भी औरत कोई भी और
आप अपने आप को कमजोर ना समझे, नारी शक्ति ही वो सलाम है। मेरा अपना एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही, अपनी तारीफ नहीं कर रही, ऊपर एग्जाम्पल सब सामने आते हैं तो अपने अंदर एक मनोबल बढ़ जाता है। वो हमें नारी जाति के अंदर मनोबल बढ़ाना चाहती हूँ ताकि वो अपने जीवन बहुत आगे बढ़े और अपने आप को कभी कमजोर न समझे। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस एट ब्यूटी फॉर योर थैंक यू सो मच। सबसे पहले श्रेष्ठ उपस्थित सारे मान्यवरों को मैं सभी को मेरा और इस कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है और इस कार्यक्रम में आने का और जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, अलग अलग सेक्टर में काम किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का सौभाग्य मुझे मिला है। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है, थैंक यू सो मच। और भूसाल मैंने कही मेरा पहली कहीं बार भूसावल में नहीं आया, इससे पहले मैं कहीं बार भूसावल आई हूँ क्योंकि मेरी मौसी भूसावल की है जयश्री से, तो वो यहीं रहती है। और साथ ही साथ मैंने पिछले एक दो महीने पहले नीले सती वहीं मिले, तो हमने एक फिल्म शूट की थी जहाँ का लोकेशन जलगा और भूसावल, राइट सर, जलगा भूसावल में हमने एक फिल्म शूट की थी जिसका नाम है गर्दी। जब रिलीज हो जाएगी तो आप सब उस फिल्म को उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आपने आज इस प्रोग्राम को दिया है। थैंक यू सो मच। सन्माननीय व्यासपीठ आणि उपस्थित सर्व भुसावळवासी, आज या ठिकाणी येऊन खरंच खूप आनंद होतोय। आज सर्वप्रथम मी जी ऑर्गनायझिंग कमिटी आहे आंतरराष्ट्रीय मानवी कलाजू संघटनेची, त्यांना मी शुभेच्छा देतो। त्यांनी हा खूप चांगला कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, तसेच या ठिकाणी ज्यांना पुरस्कार मिळाले आणि ज्यांना मिळणार आहेत त्यांनाही शुभेच्छा देतो। त्यांचे कामाचं मूल्यमापन करूनच त्यांना हा पुरस्कार देण्यात येतोय। आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने भारताचं दर्शन होत आहे, सर्व धर्मसमूह मोठ्या प्रमाणात आपला जातो, त्यामुळे सर्वांना शुभेच्छा, भुसावळवासियांना शुभेच्छा, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे दोस्तों, ये सब आए हुए मेहमान, मैं नाम से तो वाकिफ नहीं है, अगर जो भी मेहमान आए है, अरे जो प्रोग्राम रखा है, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक समाज सेवक इतनी ऊंची पहुंच है इस गायक मुझे, तो उसके आगे खासदार आमदार भी कम दिखते हैं, क्योंकि खासदार आमदार जो होते हैं ना, जान पहचान के लोगों के काम करते हैं, और समाज सेवक एक गरीब आदमी ना मजबूर आदमी किसी का भी काम करता है। और मैंने देखा है, हमने सबने देखे, एक वक्त ऐसा बुरा आया था कोरोना है ना, आज उसका नाम भी लेंगे तो मेरे काटे आए, हर आदमी परेशान था, बाप बेटे तरफ देखता था, भाई भाई तरफ देखता था, बीवी शोहर तरफ देखती थी, इतना ऐसा ना हमने कभी किसी ने देखा था ना सुना था। और जब ऐसे वक्त में समाज सेवक बाहर निकल के गरीबों के काम आते थे, तो मैं देखा कि समाज सेवक बहुत ऊंची पहुंच है, बोले नाम छोटा सा लगे लोगों को मगर काम बहुत बड़ा है। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि हर समाज के आदमी ने कम से कम थोड़ा बहुत टाइम काट के समाज सेवा करना चाहिए, मैं सबसे ये विनती करता हूँ। और ना जाने वक्त कब कौन सा बुरा आ जाए, हमने कभी सोचा नहीं था कि कोरोना आएगा, लॉकडाउन लगेगा है ना, घर के बाहर हम निकल नहीं सकते, क्या कोई बीमार इंतजार उसको देख नहीं सकते, यानी हर आदमी इतना परेशान था कि वो सोचना भी अब हमारे लिए बुरा है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, बस मेरा एक ही है कि जात पात ये सब छोड़ लो, सबसे अच्छी जात जो है समाज सेवा है, समाज की सेवा करो, चाहे वो कोई भी समाज से आए, मगर क्या है, बस मेरा एक ही कहना है कि समाज सेवक का काम ऐसा है कि हर आदमी अगर दिन में 10 मिनट भी करे, तो एक आदमी का काम 10 मिनट के लिए कर दे तो बहुत बड़ी बात है। पर मैं इतना आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं ज्यादा बोलने लगता है क्योंकि बोलूंगा
तो इतना टाइम है नहीं, नहीं तो मैं समाज पे, जात पे, लीडर पे, राजकारण पे बहुत बोल सकता हूँ, मगर अभी वो ये वक्त नहीं है। इसलिए बस समाज सेवक की इज्जत करो और हम खुद समाज सेवक बन जाओ। मैं नसीराबाद में ड्यूटी करती हूँ केंद्र परिषद, जिला परिषद में। आज मेरे पे इसके पहले भी महिला अवार्ड भी मिला हुआ है पुरस्कार में, और दूसरा हजरत बिलाल फाउंडेशन वाला भी मिला हुआ है। और मैं एक मुख्यतः होने के नाते इतना कहूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि लड़कियों को अक्सर माँ बाप आते ही स्कूल में। ये मेरा ही मकसद है कि मैं जहाँ नसीराबाद पे हूँ वहाँ पर मेरी स्कूल पढ़ाने में नंबर एक पर है, और मैं हर काम बढ़ चढ़ कर हिस्से से काम करती हूँ। और मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ, और यहाँ का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सब जो स्टेज पर बैठे हैं। मैं किसी का नाम को जानती नहीं हूँ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अम्बेडकर, पहली बार आई मैं यहाँ पर, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। मैं हमेशा जलगांव में ही प्रोग्राम देती हूँ, जलगांव में ही करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं भुसावल में आज 18 साल से हूँ, और मैं यहाँ के सब लोगों को देखती बहुत मिलनसार है। मैं रहने वाली अमरावती की हूँ, खास अमरावती, इसलिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ यह बात के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खूप मोठी वैद्यकीय वेगवेगळ्या योजना ताई राबवतात, तर ताईच्या सगळ्यांना विनंती आहे की ताईचा सर्वे काळ्या वाजून जोरात चाललो असतो ताईला एक। आज तक आपने किन्नर भुसावल में रहते पर भी आपने सिर्फ रास्ते पर भीख मांगते हुए ही देखा होगा, कुछ अलग सब कुछ जो तुम्हारे आराम है। पर मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो पुलिस भर्ती हुई, मेरा सिलेक्शन हुआ है दोनों पुलिस के अलग अलग सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर जितने भी टीम है मैं सबका बहुत दिल तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ऐसे हम लोग कम्युनिटी के लिए सपोर्ट करिए, हमको ऐसे मान सम्मान दीजिए कि हम भी इंसान हैं, हम लोगों को भी इंसान समझे। हम लोग बस यही निवेदन करती हूँ आपसे। और थैंक्स टू माय सिस्टर जयश्री इंद्र भाई जो हमेशा मेरे साथ में है, वंदना भाई, हमारे शक्तिमान, ये सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरा यही बोलना है कि हमारे समाज के लिए सबको सब सम्मान करें, हमारा हम भी इंसान, ये बोलना चाहते हैं। आपकी सेवा में कई वर्षों से आपके घर, ऑफिस, गोडाउन व अन्य की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खानदेश फैब्रिकेशन तत्पर है, जिसमें की डिजाइनर सेफ्टी डोर, वॉल कंपाउंड गेट, वॉल कंपाउंड रेलिंग, टावर, कैनोपी, सीएनसी डिजाइन शेड, फ्रंट डोर, स्टील रेलिंग, फाइबर शेड, गेट, शटर और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के काम व अन्य फैब्रिकेशन के काम किए जाएंगे। साथ ही सीएनसी शेड कटिंग करके मिलेगी व हैवी जॉब कटिंग करके मिलेंगे। तो पता याद रखें, खरगा रोड गैलेक्सी होटल के पास, नेशनल हाईवे नंबर 6, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9028124654, 9168161181। अब दांतों और मसूड़ों की कोई भी तकलीफ का इलाज एडवांस तरीके से भुसावल शहर में। मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, दाढ़ हिलना, दांतों को सफेद करना, स्क्रू से दांतों को बिना दर्द बैठाना, बुजुर्गों के दांत बैठाना, छोटे बच्चों के कीड़े हुए दांतों का इलाज करना, दांतों के कलर का सीमेंट भरना, रूट कनाल करना, दांतों के कलर का कैप बैठाना,
लेजर ट्रीटमेंट और दांत संबंधी सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। संपर्क सिटी स्माइली मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, डॉक्टर अजहर शेख, BDS MDS पुणे। अस्पताल का पता याद रखें, 3 नंबर स्कूल के सामने, सिटी न्यूज ऑफिस के बाजू में, रजा टावर के पास, खड़गा रोड, भुसावल। जानकारी और अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 8010706319 7798477689। We are the trendsetters in education. We are now in Bhusawal. आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित मरहुमा हज्जन शकीला बी अब्दुल वहीद देशपांडे कॉन्वेंट हाई स्कूल, सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही किफायत बी नजीर अहमद पटेल इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MHCET। वह बता दें कि आपको बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर रूम, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा व्यवस्था के साथ। तो जल्द करें अपने बच्चों का एडमिशन, 1 फरवरी से एडमिशन फॉर्म शुरू होंगे। तो स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हिना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, विवेकानंद स्कूल के पीछे, भुसावल। पिन कोड 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271392591, 9159969786, ईमेल ID bspatel educational campus@gmail.com, वेबसाइट bspatel educational campus.com। हाजी समद अली के पुत्र डॉक्टर अजीज अली द्वारा 40 वर्षों से हाजी समद अली अस्पताल रेलवे नॉर्थ कॉलोनी लिम्स क्लब की नई शाखा अब्दत धाम मंदिर के पास डॉक्टर मानवतकर अस्पताल रोड जामनी रोड भुसावल में, जिसमें आपके गर्दन के मनकों का दर्द, पीठ के मनकों का दर्द, कमर के मनकों का दर्द, घुटनों के दर्द और हड्डियों की बीमारी का इलाज किया जाएगा। समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, शाम 5 बजे से 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9763302278, 8390075365। भुसावल शहर में पहली बार आलीशान इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है नामांकित कंपनी के घरेलू सामान पर 50% डिस्काउंट तक छूट। आलीशान इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे नामांकित कंपनी के मिक्सर, कुकर, फैन, गीजर, प्रेस, डिनर सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC व अन्य होम किचन प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। तो अभी एक बार अवश्य पधारें। दुकान का पता नेशनल हाईवे नंबर 6, आलिशान वाटर पार्क के आगे, भुसावल, जिला जलगांव। डिलक्स फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन सोफा सेट, बेडरूम सेट, कारपेट, चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, फ्रिज व अन्य प्रकार के घरेलू सामान। व आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0% से फाइनेंस भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8600880230।